ऐसे कहे कि मैंने वॉइस ओवर दिया है वो एक्चुअली गलत होगा. स्क्रीन पे जो आता है वो वॉइस ओवर होता है, डब्ड वर्जन ऑफ द एनिमेशन. लेकिन इस बार जब हमने दिल्ली सफारी शूट किया था तो ये इनकी फिल्म के जो एनिमेटर्स हैं, दे आर वेरी हाईली टैलेंटेड एनिमेटर्स. उन लोगों ने एक्टर्स को शूट किया एक्चुअली. तो गोविंदा साहब, अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर, स्वीनी जो चीनी का में जो छोटी लड़की थी वो जो एक रोल कर दिए, और मैं, और सारे एक्टर्स जिनने भी अपना आवाज़ दिया पिक्चर में, वी एक्टेड आउट द होल पिक्चर. पूरी पिक्चर का एनिमेशन का परफॉर्मेंस भी किया है, फिजिकली घूमना गिरना, एक एक को मारना, एक एक को धक्का लगाना, एक एक को हिलाना, ऐसे जो भी आप फिल्म में देखेंगे वो हमने एक्चुअली फिजिकली हकीकत में किया है. और हमें मार्कर्स लगा के उन लोगों ने हमारे एक्सप्रेशंस कैप्चर करके कैमरास के जरिए, और वही एक्सप्रेशन उन्होंने कन्वर्ट किया टू मेक मूविंग पिक्चर्स, टू मेक एनिमेटेड पिक्चर्स. और आजकल जो एनिमेशन फिल्म है वहाँ जो लेवल ऑफ एनिमेशन इज रियली रियली फैंटास्टिक. बट आई जेन्युइनली फील दैट द एनिमेशन इन दिल्ली सफारी इज ट्रूली वर्ल्ड क्लास. और मेरा ये मानना है कि ये फिल्म देखने के बाद बहुत लोग, मतलब जो ये बात नहीं समझ पा रहे आज तक, शायद समझने लगेंगे. इट इज इट्स अ ग्रेट ग्रेट सेंस ऑफ जॉय फॉर हर, नॉट ओनली फॉर हर बट फॉर हर फैमिली. बिकॉज व्हेन समबडी सफर्स फ्रॉम द ड्रेडेड डिजीज, इट्स नॉट जस्ट द पर्सन हू इज सफरिंग पर्सनली, बिकॉज दे गेट अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, बट द फैमिली सफर्स अलॉन्ग विद हर. And it was a great victory for her family who had supported her. And now there's another member to be, you know, added to that family. And we wish him luck. Marriage is not an easy journey. Whoever, you know, the young lucky man is marrying Lisa. But trust me, you are absolutely a beautiful person inside and outside. I wish you the very best.